तो हेलो एवरीवन। तो गाइज़ आज मैं आपको कोई भी यार न्यू अपडेट्स या फिर कोई न्यू इवेंट की डिटेल्स नहीं देने वाला। आज हम काफ़ी ज़्यादा यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे अपना फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम स्कैम के बारे में बात करेंगे। तो काफ़ी सारी न्यू चीज़ें गाइज़ आपको सीखने के लिए मिलेंगी इस वीडियो मेरी में। वीडियो गाइज़ ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जिनको फ्री फायर के इवेंट्स या अपडेट जानने होते हैं, बट यार आज हम कुछ अलग ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आज की वीडियो भी आप लोग पूरी एंड तक देख के जाना, क्योंकि आज आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा नया सीखने के लिए मिल जाएगा। तो प्लीज़ से मेरे भाई स्किप मत करना आज की वीडियो। सबसे पहले गाइज यहाँ पे बात करेंगे हम FFPP के बारे में, मतलब अपना फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम के बारे में। तो जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं थोड़ी डिटेल्स देता हूँ आप लोगों को। फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम गाइज जो है फ्री फायर वालों की तरफ से बनाया गया है। इसमें गाइज वे यूट्यूबर आते हैं जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते हैं और उनके व्यूज भी अच्छे आते हैं, तो गरीना वाले उनको यार बुलाते हैं और भाई उनको जो है डायमंड देते हैं, मतलब मंथली उनको डायमंड मिल जाते हैं। 10,000 तक गाइज उनको जो है डायमंड दिए जाते हैं हर मंथ, उनके सब्सक्राइबर के हिसाब से भाई उनको डायमंड मिल जाते हैं। और सेकंड थिंग गाइज उनको कस्टम दिए जाते हैं, मतलब लगभग 50 कस्टम जो है हर मंथ उनको मिल जाते और हैं। और इससे बड़ी बात गाइस, जब हमारे गेम में कोई न्यू इवेंट का कोई न्यू आइटम आना होता है, जैसे कोई न्यू इमोट आना होता है या फिर कोई न्यू गन की स्किन आनी होती है, तो वो भी भाई उनको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, विदाउट एनी डायमंड के उनको दी जाती है, जिससे कि वो लोग अपने सब्सक्राइबर को उसका रिव्यू करके दिखाएं। तो ये तो सारे गाइस मैंने आपको बेनिफिट बताए हैं पार्टनर प्रोग्राम में जाने क्या क्या बेनिफिट होते हैं, पर यहाँ पे कुछ अलग हटके हम बात करेंगे। यहाँ पे गाइस फर्स्ट टाइम सारे यूट्यूबर एक साथ मिलकर भाई कुछ यहाँ से गरीना से भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज मांग रहे हैं। तो एक चीज मैं आपको देखो पहली क्लियर कर देता हूँ, गरीना के अगेंस्ट बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना रहे, उनके सामने अपनी कुछ बातें रखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग भाई यूट्यूबर होंगे, मेरे को पता है आप में से काफी सारे बंदों का एक यूट्यूब चैनल भी होगा, तो आप लोगों का भी सपना होगा भाई हमारे भी कभी लाखों में सब्सक्राइबर हो, उसके बाद हम भी यार फ्री फायर का कभी पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन कर पाए। तो अगर आपका भी भाई इसी तरीके से सपना है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा आप भी भाई इस तरीके की एक वीडियो जरूर बना लेना अपने चैनल पर, क्योंकि इससे भाई हम सभी का अभी फायदा हो जाएगा। क्योंकि भाई आप लोगों को पता है अगर हम गरीना से मतलब कुछ डिमांड करेंगे तभी गरीना हमारी बात सुनेगी, नहीं तो भाई कुछ नहीं होने वाला, हमें यार अभी स्टेप लेना ही होगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ यार हमारे साथ कैसे भेदभाव करा जा रहा है, मतलब वो यार पूरा पाकिस्तान में भी इतना भेदभाव नहीं करते, ना ही ब्राजील में करते, जो हमारी इंडिया सर्वर है भाई सारा भेदभाव यहीं होता है, सब कुछ यहीं होता है, पता नहीं गाइस क्यों करते हैं, बट यार इतना भेदभाव, बहुत ज्यादा भेदभाव होता है हमारे हम लोगों के साथ। तो आप सभी लोगों को यार टाइम आ गया, आपको सपोर्ट दिखाना होगा, सारे यूट्यूबर एक साथ मिलकर जुट के यार वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट जरूर से बनता है भाई, सारे भाई एक साथ सपोर्ट करना। मेरे भाई मैं आपको बताने वाला हूँ क्या भेदभाव हम सभी यूट्यूबर के साथ हो रहा है, मतलब यार इंडिया सर्वर में ही हो रहा है और किसी सर्वर में ऐसा भेदभाव नहीं होता। तो गाइस देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा पाकिस्तान का सर्वर है वहां पे जो पार्टनर प्रोग्राम में बंदे जाते हैं ना भाई 30-30, 35-35 हजार जिनके सब्सक्राइबर है ना गाइस, वे भी भाई वहां पे पार्टनर प्रोग्राम में जा रहे हैं, मतलब उनका जो सिस्टम है ना काम करने का बिल्कुल सही है, जिसके 30 या 35 हजार सब्सक्राइबर है उसको भी पार्टनर प्रोग्राम में ले लिया जाता है। अगर उल्टा हमारे इंडिया सर्वर में आप लोग देखते हो, तो गाइस इंडिया सर्वर में भाई जिसके यार 30-35 उसको तो सपने देखने भी खराब है, जिनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर हो गए ना गाइस उनको भी नहीं लिया जा रहा। तो जब वो बंदा भाई गरीना के पास जाता है जिसके 5 लाख 3 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर है 1 लाख सब्सक्राइबर है, जब वो गरीना के पास जाता है भाई बोलता है भाई मेरे सब्सक्राइबर हो गए, मेरे व्यूज भी अच्छे आते हैं, तो मेरे को प्लीज अपने पार्टनर प्रोग्राम में ले लो, मेरे को ज्वाइन करवा दो, तो भाई वे उनका एक ही रिप्लाई आता है भाई 5 से 6 मंथ वेट करो, अभी हम नहीं लेंगे, अभी हमारे पास बंदे काफी है, अभी हमें जरूरत नहीं है, आप 5 से 6 मंथ बाद आना। फिर बंदा वो दोबारा जाता है 5 से 6 मंथ वेट करता है, उसके बाद दोबारा जाता है गरीना के एम्प्लॉय से बोलता है भाई हमें पार्टनर प्रोग्राम में ले लो, हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो फिर वे मतलब टाल देते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। जब भी कोई यूट्यूबर बोलेगा जाके उनको बस मतलब एक ही काम करते हैं, उसको टाल देते हैं, एक ही बात बोलते हैं 5 से 6 महीने में आ जाना, अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हम पार्टनर प्रोग्राम में आपको ले नहीं सकते, ऐसे ऐसे बातें मतलब बहाने बना देते हैं। और उल्टा गाइस यहाँ पे पबजी में आप लोग देखोगे ना तो वहां पे भाई उनका रूल बना रखा है, जिसके भी 50,000 सब्सक्राइबर होंगे उसको जरूर से जरूर लिया जाएगा, और भाई लिया भी जाता है, जो बंदा पबजी में 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देगा उसको गाइस एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके एक वीक के अंदर अंदर भाई वो पार्टनर प्रोग्राम में चला भी जाता है। ठीक है गाइस, मेरे काफी सारे फ्रेंड है तो वे भाई चले भी जाते हैं, जिसके 50,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसको इजीली उनके पार्टनर प्रोग्राम में लिया जाता है, बट हमारे गरीना में भाई अलग ही स्कैम चलता है भाई, जिसके 5 लाख है वे भी नहीं जा पाते। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस जो पार्टनर प्रोग्राम में न्यू यूट्यूबर जा रहे हैं, आपने देखे होंगे काफी सारे यूट्यूबर पिछले टाइम में गए थे, तो वे कैसे भाई घुस जाते हैं, जब मैं हम लोग आपको बता रहे हैं कि नहीं लेते वे कैसे चले जाते हैं। तो गाइस देखो साफ सीधी बात है, उन यूट्यूबर का जो है ना सीधा कॉन्टैक्ट बड़े बड़े यूट्यूबर से रहता है जो कि ऑलरेडी पार्टनर प्रोग्राम में घुस रखे हैं, तो उनसे सीधा कॉन्टैक्ट रहता है, तो वो यूट्यूबर उसके लिए बात करता है, मतलब पूरा वो समझ सकते हो ना एक तरीके से कि उससे सिफारिश लगती है, पूरा सिफारिश वाला काम चलता है, वो यूट्यूबर उससे सिफारिश करेगा, उसके बाद पार्टनर प्रोग्राम वाले उसको ले लेंगे। और यहाँ तक गाइज मैंने देखा है जिसके 80-80 1-1 लाख सब्सक्राइबर है ना उसको भी ले लिया गया है पार्टनर प्रोग्राम में, आपको मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन है उसका, क्योंकि भाई कॉन्टैक्ट होगा गरीना वालों से, तो सीधा उसको ले लिया गया, ना ही उसके व्यूज देखे गए ना ही उसके सब्सक्राइबर देखे गए, तो भाई क्या भाई क्यों इतना बड़ा भेदभाव करा जा रहा है। एक चीज देखो गाइज, अगर हम लोग भी यार पार्टनर प्रोग्राम में चले जाते
हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों का भी बेनिफिट है, क्योंकि भाई आप लोग बहुत बार कमेंट करते हो भाई मेरा ये इवेंट ओपन नहीं हो रहा है, मेरा जो है यार मतलब डायमंड माइनस में चले गए, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरा पिंग इशू ज़्यादा हो रहा है। तो अगर भाई हम पार्टनर प्रोग्राम में होंगे, हम लोग यूट्यूबर पार्टनर प्रोग्राम में होंगे, तो जो जितनी भी हमारी ऑडियंस की प्रॉब्लम होगी हम डायरेक्टली गरीना से जाके बोल सकते हैं, हमें कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं आगे सुनके, हम सीधा गरीना वाले से जाके बोलेंगे भाई ऐसे ऐसा प्रॉब्लम गेम में आ रही है, इसको सॉल्व करो। तो भाई एक तरीके से देखा जाए तो आपको भी काफ़ी सही बेनिफिट मिलेगा, अगर हमारे जो आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो आप उससे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई ये प्रॉब्लम मेरे गेम में आ रही है, तो वो क्या करेगा भाई सीधा जाएगा गरीना वालों से बोलेगा एंड वो प्रॉब्लम भाई सॉल्व हो जाएगी। अगर इसके उल्टा देखा जाए, जैसे कि मान लो मैं ही एक यूट्यूबर हूँ और भाई आप लोगों को गेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, गेम ओपन नहीं हो रहा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग मेरे पास कमेंट करने आओगे, तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब पर एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा ऐसे ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ठीक है। मतलब गरीना तक तो मैं बात नहीं पहुँचा पा रहा ना, मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर और आप लोग ही उसको देख रहे हो, ठीक है, इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं भाई पार्टनर प्रोग्राम में चला जाता, मैं सीधा भाई गरीना से जाकर कॉन्टैक्ट करता और बोलता भाई मेरे सब्सक्राइबर लोगों को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, इसे सॉल्व करो, तो जस्ट अभी यार पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, बट अभी यार कुछ बेनिफिट नहीं मिलता हम लोगों को। तो मैं तो भाई गरीना वालों से एक अपील यही करना चाहता हूँ भाई, आप लोग इतना ज़्यादा भेदभाव मत करो, अगर आपको नहीं लेने तो भाई नहीं लो, पर अगर यार जो बंदा डिजर्व भी नहीं करता आप उसको भी पार्टनर प्रोग्राम में ले लेते हो, तो इसको देख करना भाई बहुत हर्ट होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो यार मेरे से भी कम है, मेरे से भी कम मेहनत करता है, मेरे से भी कम सब्सक्राइबर रखता है और उसको मेरे से पहले पार्टनर प्रोग्राम में लिया जाता है, तो उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, अंदर से एक फीलिंग आती है भाई क्या ही बोलूँ यार। तो सबसे पहले तो यार गरीना वालों आप लोग इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और आप लोग गाइस पूरा सपोर्ट दिखाओ अपने भाइयों को, जितने भी यूट्यूबर भाई वीडियो बना रहे हैं सबको फुल सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, जो अपना फ्री फायर गेम है इतना नंबर वन गेम बन चुका है, बैटल ग्राउंड में इतना बेस्ट गेम हो गया है, जब भी बैटल ग्राउंड गेम की बात करते हैं फ्री फायर या पबजी इन दोनों गेम का ही नाम आता है, तो भाई आप यार ऐसा करते हो भाई इंडिया सर्वर में, सभी कंट्री के साथ तो भाई बिल्कुल सही ट्रीट किया जाता है, बट यार हमारे इंडिया सर्वर में क्यों ऐसा होता है भाई, ये चीज मेरे को आज तक समझ में नहीं आई, क्यों हमारे इंडिया सर्वर में इतने भेदभाव चलते हैं। तो यार सिंपल सी बात है भाई, ये भेदभाव ऐसे तो खत्म नहीं होंगे, हम लोगों को ही स्टेप्स लेने होंगे, और सबसे मतलब जो इंपॉर्टेंट काम करना है गाइस वो आप लोगों को ही करना है। आज मैं कुछ नहीं बोलता, लाइक करो, वो करो, वो करो, आज गाइस बस आप वीडियो शेयर कर दो, जितने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो कर दो। भाई मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो बस सिंपल सा मेरा एक ही पॉइंट है भाई, आप इस भेदभाव को भाई कभी भी मत करो, हमारे इंडिया सर्वर में से इस भेदभाव को हटा दो। अगर आप लोग बंदे लेने चाहते हो तो जो डिजर्व करते हैं उनको लो, ऐसे बंदे मत ऐड करो जो कि भाई सिफारिश लग के घुस जाते हैं, तो भाई ऐसे यार ऐसा काम नहीं चलने वाला भाई, ऐसा काम मत करो, रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर कुछ भी कह लो भाई, हम आपके लिए अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहे, आपके सामने बात रख रहे हैं, तो ये चीज गाइस सबसे ज्यादा गलत होती है। और मेरे जितने सब्सक्राइबर लोग वीडियो देख रहे हैं, और आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट करके बताना, आपको क्या लगता है भाई हम सभी यूट्यूबर सही कर रहे हैं आपके लिए नहीं कर रहे। तो बस गाइस यार इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना, बस मेरे को तो आपको बताना था किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव होता है, और आप ही लोगों यार जो सपोर्ट करके हम सभी लोगों को जो है यार एक तरीके से इक्वालिटी दिवा सकते हो, तो सारे भाई बिल्कुल सपोर्ट दिखा देना।